दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज 5 अगस्त के दिन आप सभी को शाम के सुंदर दृश्य दिखाने के लिए हर की पैड़ी पहुंच चुका हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हर की पैड़ी की जितने भी मुख्य घाट हैं सभी घाटों से दर्शन कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज की जो वीडियो आप सभी देख रहे हैं ये 5 अगस्त की वीडियो है। रात के सुंदर नज़ारे आप सभी देख सकते हैं। कल के दिन यानी शनिवार की रात को जब माँ गंगे की आरती हो रही थी तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे थे और बहुत दिनों के बाद इतने ज़्यादा श्रद्धालु जो है हरिद्वार में नज़र आए थे। पूरी हर की पैड़ी जब गंगा जी की आरती हो रही थी पैक हो गई थी और देखिए आरती समाप्त हुए 10 मिनट हो चुके हैं। दोस्तों हरिद्वार की मौसम की बात की जाए तो पिछले 2-3 दिन से हरिद्वार में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और उसके साथ साथ ऋषिकेश में भी काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन इतना नहीं है कि आप लोग हरिद्वार या ऋषिकेश आने में सोचना पड़े, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश तक आप यात्रा कर सकते हैं और हरिद्वार ऋषिकेश तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप आगे पहाड़ों की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर अभी कुछ दिन ना जाएं, क्योंकि अभी भी वहाँ पर जो बारिश है काफ़ी ज़्यादा हो रही है और उसके साथ साथ रास्ते भी कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। मान के चलते हैं अगर आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको बीच में रुकना पड़ सकता है, क्योंकि जो सफ़र है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा का है जिसमें से 250 किलोमीटर तो आपको पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हल्की पुल्की होती रहती है, कभी कभी तो ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से हो सकता है आपको 3-4 घंटे या 2-3 घंटे रास्ते में रुकना पड़ जाए, क्योंकि लैंडस्लाइड जब हो जाती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर उसको मलबा जितना आ जाता है उसको हटाया जाता है, उसके बाद ही यात्रा आगे चालू होती है। तो ये सारी कंडीशन बनी रहती हैं और ये कोई बद्रीनाथ धाम के लिए नहीं है। जितने भी धाम हैं, आप गंगोत्री जाएं, यमुनोत्री जाएं या आप केदारनाथ धाम जाएं, सभी जगह दिक्कत है। और आपने 3 अगस्त को सुना ही होगा कि केदारनाथ धाम में बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी जिसके चपेट में लगभग 19-20 लोग आ गए थे। तो ये सारी कंडीशन बनी हुई है और अभी भी बहुत सारे लोगों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि मुझे 15 तारीख को केदारनाथ धाम जाना है और मेरा 15 तारीख के आसपास रिजर्वेशन है, तो क्या करें, जाएं या ना जाएं। मेरी तो बार बार यही सलाह रहेगी कि आप अगस्त की बजाय सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 20 सितंबर के बाद मौसम काफ़ी अच्छा होने लगता है और अक्टूबर का महीना तो बहुत ही अच्छा है। अक्टूबर में आप यात्रा करेंगे तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये थी मुख्य जानकारी। अब हम आपको फिर से दर्शन कराते हैं। ये रात के सुंदर नज़ारे आप सभी देख रहे हैं और ये वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। और अगर दर्शन करके अच्छा लग रहा है और उसके साथ साथ जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई सवाल है हरिद्वार ऋषिकेश 4 धाम यात्रा से संबंधित तो आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID जो है मुकेश हेल्प नाम से है, आप वहाँ पर जाइए और मैसेज करिए। और ये है हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड घाट में बने मंदिर। और शनिवार को तो वाकई में जब मैं यहाँ पहुँचा था श्रद्धालुओं की संख्या को देखकर दंग रह गया था। जब कांवड़ यात्रा पीक पर चल रही थी शिवरात्रि के समय ही,
ज़्यादा भीड़ होती थी, तो उसके बाद लगभग 20 दिन हो चुके हैं और अब जाकर भीड़ हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं जब गंगा जी की आरती हो जाती है तो बहुत सारे लोग जो है गंगा जल में दीप दान करते हैं। कैसी लग रही है हर की पैड़ी इस समय, देखिए सुंदर नज़ारे आप लोग देख रहे हैं। ये है बिरला टावर जिसे घंटाघर टावर भी कहते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोगों को इंतजार होगा कि 6 अगस्त की वीडियो कब आएगी, तो 6 अगस्त की वीडियो हम आपको शाम तक लाइव मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में देंगे, तो आप वहां से दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल ये 5 अगस्त की वीडियो है, एडिटिंग में थोड़ा सा समय लग गया, नहीं तो ये 5 अगस्त को आ जाती। फिर उधर रात भी हो गई थी एडिटिंग करते करते, क्योंकि ये जो वीडियो है 8-8:30 बजे के आसपास शूट की थी, उसके बाद घर आना और उसके बाद एडिटिंग करना काफ़ी समय हो जाता है, बहुत सारे लेट लोग सो जाते हैं, इसी वजह से ये लेट वीडियो आई है। और यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा लगता है। गंगा जल में रेत की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, अभी कोई भी कमी नहीं आने वाली है। और जल जो है 5 अगस्त को हर की पैड़ी में पर्याप्त था, सभी जितने भी मुख्य घाट थे सभी जगह काफ़ी ज़्यादा जल दिखाई पड़ रहा था। और यहाँ पर तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर हमने फेसबुक से लाइव भी किया था इसी जगह पर खड़े होकर, और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा। अगर आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, वहाँ भी हम लगातार लाइव दर्शन कराते रहते हैं। और फेसबुक पेज की आईडी जो है मुकेश कुशवाहा सर्च कर सकते हैं, या मुकेश हेल्प वन करके आप फेसबुक पे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। मुझे तो ये जो जगह है सबसे अच्छी लगी थी 5 अगस्त को मैं जब यहाँ पर रुका था। आप लोगों में सभी लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, किस जगह के दर्शन करके आपको ज़्यादा खुशी हुई है। और ये है मालवी घाट के दूसरी साइड के सुंदर नज़ारे, यहाँ पर देखिए बीच धारा में माँ गंगे की प्रतिमा आपको नजर आ रही होगी, बीच धारा में पिलर है उसी में माँ गंगे की प्रतिमा रखी हुई है। तो दोस्तों ये थी 5 अगस्त की वीडियो, 6 अगस्त की वीडियो भी आपको हम आज शाम तक दे देंगे, तो आप लोग मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।